कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ कचौड़ी बनाने के लिए। भाई इस टाइम कचौड़ी खाने का बड़ा मन करता है सबका, क्योंकि मार्केट में कचौड़ी मिल नहीं रही, तो घर में हम लोग कचौड़ी बनाते हैं। जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, और एक बड़ी कटोरी दाल को मैंने 4 घंटे भिगो दिया है, 2 टेबल स्पून बेसन, सौंफ और हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना चटनी, इमली की चटनी और नमक मिर्च, और मैं लूँगी हींग स्वाद अनुसार लूँगी। और आटा जो मैं लगाऊंगी, 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है, 2 चम्मच सूजी और पनीर का पानी। सबसे पहले मैं स्टफिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने तेल गरम करने रख दिया है, 2 टेबल स्पून तेल लिया। ये तो डीप फ्राई के लिए तेल है, और ये डी उसके लिए स्टफिंग बनाने के लिए है। सबसे पहले हम लोग तेल गैस तेज करेंगे। इसमें हम लोग 1/4 टीस्पून हींग, हरी मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल रही हूँ, तो मेरे पास पुदीना की चटनी है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पुदीने का फ्लेवर दे रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। टू टेबल स्पून बेसन, जैसे ही बेसन की खुशबू आने लगेगी वैसे ही हम इसके अंदर भिगोई हुई दाल डाल देंगे। कई लोग इसमें दाल पीस के भी डालते हैं, पर मैंने दाल को अच्छी तरह से गला के रखा है, तो मैं इसको दाल को बेसन के साथ पकाऊंगी। उससे क्या होता है, कचौड़ी आपकी 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होती है। अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर मसाले डालूंगी, 1 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च में थोड़ी सी एंड में और डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जैसे ये चिपकने लगेगा ये सिम कर दूंगी, ताकि बेसन अपना अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको 15 मिनट पकाएंगे स्टफिंग को, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे, 1 कटोरी पानी, ताकि दाल अपनी अच्छे से गल जाए। अच्छे से मिक्स करके मैं गैस तेज कर रही हूँ, और सारा जो चम्मच पे लगा है अपना, सब मसाले वगैरह सब उतार लेंगे, ताकि सब मिक्स हो जाए। क्या होता है कि बेसन एकदम से भून के जैसे ही दाल डालते हैं तो मसाले चिपकने लगते हैं। अभी मैंने सिर्फ 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च मैं एंड में डालूंगी। नमक मिर्च आप हमेशा अपने हिसाब से करें। इसको मैं सिम कर रही हूँ, और इधर से मैं आटा लगा रही हूँ। ये 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है, 2 चम्मच सूजी, सूजी से काफ़ी क्रंची बनती है, 1/2 चम्मच नमक, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ऑयल। और मैं पनीर के पानी से आटा लगाती हूँ, आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी इसका आटा लगा सकते हैं। सब अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग देख लेंगे कि इसकी मुट्ठी बन रही है कि नहीं। ये देखिए, सब अभी मैंने तेल डाला है, अच्छे से मुट्ठी बन रही है, तो मैं इसके अंदर पानी डाल के आटा लगा दूंगी, और आटे को हम लोग 15 मिनट रखेंगे, जब तक अपनी स्टफिंग भी हो जाएगी तब तक अपना आटा भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसको 15 मिनट हो गए हैं। मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल रही हूँ, और मैंने बताया था आपको कि थोड़ी सी मैं लाल मिर्च बाद में डालूंगी, ताकि अच्छा कलर आ जाता है इसके अंदर। बस 1 मिनट पका के और गैस बंद कर दूंगी, और इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर हम लोग यूज़ करेंगे करीब 15 से 20 मिनट के बाद। मैं गैस थोड़ा सा तेज किया है मैंने, ताकि ये सब जो भी चिपका हुआ है सब उतर जाए, और गैस बंद कर दूंगी। तब तक मैं, ये देखिए मैंने आटा लगा दिया है, 15 मिनट हो गए, आटे को भी 15 मिनट हो गए, और स्टफिंग को भी 15 मिनट पकते हुए हो गए। दाल को हाथ लगा के आप चेक कर सकते हैं कि दाल आपकी गल गई है कि नहीं गल गई है। ये देखिए, मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तब तक बना के रखती हूँ, जब तक मसाला ठंडा होता है। ऐसी सारी लोइयों को बना लूंगी, और फिर इसके अंदर स्टफिंग करना आपको बताऊंगी।
ये देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी। जितनी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी है उस हिसाब से आपको इसका बॉल्स बनाना है। ये देखिए कचौड़ी का ऐसे हाथ से मैं प्लेन कर लूँगी, थोड़ा सा खींच के ऐसे प्लेन करके इसके अंदर ये बॉल्स रख दूँगी और इसको पैक कर दूँगी। ऐसे पैक करके आप चाहे तो इसे बेल भी सकते हैं और आप चाहे तो अंगूठे से बना भी सकते हैं। मैं अंगूठे से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे हल्का हल्का बेल भी सकते हैं। कि एक कचौड़ी में आपको बेल के दिखा रही हूँ और एक कचौड़ी में हाथ से बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे करके पैक करके ऊपर का हिस्सा इसका निकाल देना है और हल्का सा इसको दबा के बल्कि हल्के हाथों से बेल देना है। आप बेल के भी बना सकते हैं और आप हाथ से भी बना सकते हैं। मैं कुछ बेल के बना रही हूँ और कुछ वैसे बना रही हूँ। और तेल मैंने तेज आंच पर रख दिया, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा आप सिम पे कर दीजिएगा, क्योंकि कचौड़ियाँ हम जब गैस पे डालेंगे तब हम सिम पे डालेंगे, कभी भी गैस तेज नहीं होना चाहिए। देखिए मैं इसमें कचौड़ियाँ डाल रही हूँ, तेल गर्म है अपना और सिम आंच पे इसको तलना है बिल्कुल, जब तक कि कचौड़ी ऊपर ना आ जाए। चार कचौड़ियाँ एक साथ आएंगी मेरी और बिल्कुल मैंने तेल गरम करके कम कर दिया है, बिल्कुल इसे अभी मुझे नहीं पलटना है जब तक वो ऊपर नहीं आ जाती है। कचौड़ियाँ हैं ना मैंने पलट दी थी एक बार बीच में और अब वापस पलट के दिखा रही हूँ आपको कितना प्यारा कलर आ चुका है। ये हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल साइड करके इसको पेपर नेपकिन पे निकाल देना है। ये जो हमने बेली थी ना कचौड़ी, वो ये वाली कचौड़ी है। गैस बंद कर देती हूँ मैं, बाकी कचौड़ियाँ बाद में तल लूंगी। मैं आपको एक कचौड़ी सर्व करके बता रही हूँ, थोड़ा सा बीच में ऐसे छेद करना है ताकि मसाला अंदर रहे, ऊपर से इमली की चटनी, हरी चटनी और कड़ी बनाई हुई है मैंने। ये कड़ी तो सभी को बनानी आती है, नहीं तो मेरा एक न्यू ईयर स्पेशल सिजलर है उसके अंदर कड़ी की रेसिपी दी है, इंडियन कड़ी की, वो आप देख सकते हैं। ये कड़ी कचौड़ी आपकी रेडी है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस रेसिपी के लिए मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी, इसका आटा एकदम नरम लगाना है, क्योंकि नरम आटा रहेगा तभी आप उसका पेड़ा अच्छे से खोलकर बना सकते हैं। फिर उसके अंदर कचौड़ी के स्टफिंग का बॉल्स रखें, फिर उसको पैक करना है। चाहे तो आप बेल भी सकते हैं, चाहे तो आप हाथ से अंगूठे से दबाकर बना भी सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एवरीवन।